honored to be here today with so many people here to welcome me. First, how are you? Lick by Champion. Sapa hong hong continue le mau mau le ngap apa pong tu हमारा पूरा अरुणाचल और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट पंचो बिलास ऑफ लोंगपो उसी का सभी का नाम रोशन करके बस तक पहुंच चुके हैं वो भी गांव के जितने भी लोग बड़े लोग हैं बूढ़ा बूढ़ी लोग हैं विमेन्स स्टूडेंट्स ये इधर है अब घर पहुंच चुके हैं घर पे छोटा सा और उसके लिए प्रोग्राम रखा है तो प्रोग्राम होंगे अभी अब घर के अंदर एंट्री करते हुए बहुत खुशी चेहरे से दिखाई दे रहे हैं हमें हेलो गाइस तो आप लोग के पीछे का बैकग्राउंड को देख के पता चल गया होगा उसी का साथ अभी मैं थोड़ा सा इंटरव्यू लेने वाला हूँ तो अभी हम सभी के लिए उसका एक्सपीरियंस और अपना इंट्रोडक्शन के साथ थोड़ा शेयर करने में सुन लीजिए तो आपके साथ अभी सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ My name is Lily Sunyan, and basically I'm from Longding District, Longpong Village, and I'm very honored to be here today with so many people here to welcome me. First of all, I would like to thank everyone, those who are present here for welcoming me. Thank you so much. Thank you. तो अपना introduction दे चुके हैं. आप अपना experience में शुरू से लेके last तक अपना journey के बारे में थोड़ा सा share कीजिए. Experience और अपना journey के बारे में थोड़ा बताइए. Okay, so firstly ये मेरा crown जो है बहुत heavy है, तो मैं इसको पहले उतार लेती हूँ. Okay, okay, ठीक है. पकड़ सकते. Okay, so मेरा journey ऐसे बहुत special तो नहीं है, क्योंकि ये journey मैंने खुद start किया है. Like I was scrolling through Instagram और मैं एक page पर आई थी जहाँ मतलब मुझे किसी ने contact किया था like अगर आप modeling में interested हो तो आप apply कर सकते हो ऐसा कुछ. तो like since I have been very interested in modeling since I was a little, तो मैंने like just सोचा मुझे पता नहीं था मैं इतना तक आ पाऊंगी, but मैंने वो form को fill up किया. फिर उन्होंने audition round के लिए कॉल किया था, उनका कॉल आया था, तब मुझे लगा कि वो एक स्कैम है. बट लाइक लकीली सिंस लाइक आई वाज इंटरेस्टेड इन मॉडलिंग सो मच आई टुक दैट रिस्क एंड वेंट फॉर द ऑडिशन. और उसमें ऑडिशन के लिए 180 प्लस पार्टिसिपेंट्स आए थे. एंड देन ऑडिशन का दो राउंड हुआ था एंड आफ्टर दैट 70 पीपल वेयर सेलेक्टेड, 70 पार्टिसिपेंट्स सेलेक्ट हुए थे. उसके बाद फिर जब हमारा फाइनल डे आया तो एक्चुअली वी वर आस्क्ड टू गैदर हियर बाय 8:30 और 8:30 से हमारा मेकअप मेकओवर ड्रेसिंग पूरा स्टार्ट हो गया था. सो बेसिकली हमारा प्रोग्राम जो है वो 1:30 से स्टार्ट हुआ. उसके बाद 70 कॉन्टेस्टेंट्स में से मेरा कॉन्टेस्टेंट नंबर 38 था. उसके बाद हमारा टॉप 20 के लिए सेलेक्ट हुआ. फर्स्ट वर्क के बाद हमारा टॉप 20 के लिए सिलेक्शन हुआ और टॉप 20 में मैं आ गई थी. एंड देन आफ्टर दैट वी हैड द क्वेश्चन आंसर राउंड में लाइक ओनली टॉप 10 वुड बी सेलेक्टेड. और मुझे जो क्वेश्चन पूछा गया था दैट क्वेश्चन वॉज लाइक what are the qualities that a perfect model should have.
उनका क्वेश्चन ये था कि एक परफेक्ट मॉडल होने के लिए उसमें क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए. सो माई एंसर टू दिस क्वेश्चन वॉज लाइक एक परफेक्ट मॉडल होने के लिए बस लाइक आउटर ब्यूटी नहीं चाहिए, उसके लिए इनर ब्यूटी भी चाहिए, हमें ट्रूथफुल होना चाहिए. मोस्टली हमारा जो है हमारे पास एक सिंप्लिसिटी होना चाहिए. सो लाइक आई एंसर्ड इट दैट वे. और मेरा आंसर ये था कि लाइक मॉडल बनना मतलब मॉडल सिर्फ फैशन इंडस्ट्री में नहीं होता है वो, लाइक हम लोग किसी के लाइफ में भी उनका रोल मॉडल बन सकते हैं, उनको इंस्पायर कर सकते हैं उनके ड्रीम्स फॉलो करने के लिए. उसके बाद पॉजिटिव वर्ड्स स्प्रेड करके किसी के लाइफ में खुशियां लाना वो भी एक रोल मॉडल ही है. लाइक हम लोग कुछ करते हैं और किसी को वो पसंद आता है, फिर वो लोग वो हमें फॉलो करते हैं, हम उनके रोल मॉडल बन जाते हैं. सो माई आंसर वॉज लाइक मॉडल बस एक फैशन इंडस्ट्री में नहीं, हम लोग हमारे रियल लाइफ में खुद के पर्सनल लाइफ में भी एक रोल मॉडल बन सकते हैं. सो दैट वॉज माई आंसर. और मैं तो 10 के लिए सेलेक्ट हो गई थी. फिर वी हैड अनदर क्वेश्चन राउंड. There I was asked like why are you in this pageant, like aap ye pageant mein aap ye beauty pageant mein kyun aaye ho. So like maine answer kiya ki like since I was very interested in modeling since I was a little, that's why I'm here. And since I belong from a society where girls are not given so much opportunity, so I want to be like to them. I want to prove to them that we can do that. We have got that genetics of modeling, so like we can do that. That was my answer, and that's how I won the crown of Miss Northeast. Thank you. So अपना experience के बारे में share करते करने वाला आप लोग सुन चुके हैं. फिर एक सवाल है आपसे, ये आपका अपना तो जर्नी तो हो ही चुका है, शुरू हो ही चुके है कि नहीं? तो अभी आने वाला आपका पीछे में जो जनरेशन आ रहे हैं, आपका पीछा जो करना चाहते हैं वो लोग के लिए आप क्या चीज इनकरेज, क्या कुछ एडवाइस देना चाहते हो? बेसिकली मेरा ये एडवाइस वांजो ट्राइब के लिए है. वो लड़की लोग लाइक दे आर सो ब्यूटीफुल, दे आर गॉर्जियस, पर उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता कि वो लोग आगे बढ़ पाए. सो लाइक ऐसे अपॉर्चुनिटीज नहीं है. और हम लोग अगर लड़की लोग जो है वो लोग थोड़ा ड्रेसिंग करता है तो हमें एक क्रिटिसिज्म मिलता है सोसाइटी से, लाइक यू आर ए गर्ल, यू शुड नॉट वेयर दिस ड्रेस दैट ड्रेस. और हम लोग अगर थोड़ा शॉर्ट्स भी पहन लेते हैं तो लाइक सोसाइटी हमें बहुत क्रिटिसाइज करता है. तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए, लाइक हमारा पैशन को फॉलो करना चाहिए. और ये मेरा मैसेज बेसिकली लाइक वांजो ट्राइब के लिए है कि अगर हमारे अपॉर्चुनिटी हमारे पास चलकर नहीं आता है, हमें अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट करना पड़ता है. और अगर हम लोग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करोगे तभी हम लोग लाइफ में कुछ कर पाओगे. सो डिस्करेज नहीं होना है, आप खुद मतलब अपना दिल का बात सुनिए, उसके बाद आप फ्यूचर में आगे बढ़ती रहिए. सो दैट्स माई मैसेज टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर. ठीक है, अपना एक्सपीरियंस और अपना एडवाइस जो अपने जगह के लिए अपना ट्राइब के लिए दे चुके हैं, तो पूरा ऑल इंडिया के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं थोड़ा बता दीजिए. ओके, सो बेसिकली मैंने इंट्रो में आपको बताया मैं अरुणाचल से बिलोंग करती हूँ. मैं अरुणाचल से एक डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ, लाइक दैट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट है वो. और अरुणाचल में सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, लाइक बहुत लोग वो डिस्ट्रिक्ट को नहीं जानते. लाइक हम लोग जब कहीं सेंट्रल पार्ट्स में जाते हैं एंड देन दे आस्क वेयर आर यू फ्रॉम, हम लोग अरुणाचल बता देंगे तो वो लोग शायद हमें पहचान लेंगे. बट व्हेन वी से लोंगडिंग, बहुत लोगों को पता रहता है वो जगह कौन सा है, बट लाइक स्टिल लोंगडिंग इज नॉट नोन टू एवरीवन. सो और मेरा मैसेज ये बस वांजो ट्राइब के लिए या फिर लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए या फिर अरुणाचल के लिए नहीं है, ये मैसेज पूरा इंडिया में जितना भी यंगस्टर्स है उनके लिए है. लाइक हम लोग जो भी करो दूसरा लोग हमें लाइक वी आर नेवर सेट इनाफ फॉर अदर पीपल. हम लोग जितना भी अच्छा परफॉर्म करें, हम लोग जितना भी वेल बिहेव करें, देयर विल ऑलवेज बी समवन टू क्रिटिसाइज अस. सो वी मस्ट नॉट लिसन टू देम. हमें बस अपना ड्रीम्स पे फोकस करना है, हमारा पैशन को फॉलो करना है, हम लोग क्या चाहते हैं वो अच्छा से हमारा दिमाग में सेट करना है, हमारा गोल पूरा क्लियर रखना है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाओगे. थैंक यू. थैंक यू सो मच. और इतना सारा क्वेश्चन पूछने के लिए आपसे माफी चाहता हूँ. और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए राइज करना चाहता हूँ मैं, आप यहाँ में खत्म करना चाहते हैं ना और आगे बढ़ के कितने कुछ दिखाना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए अपना बारे में. सिंस मैंने मॉडलिंग के लिए बचपन से सपना देखा है, सो मैं इसको यहाँ खत्म तो प्रोबेबली नहीं करना चाहती. मैं आगे जाकर और बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लाइक आई वांट टू ट्राई फॉर मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स. मुझे जितना भी चांसेस आएगा मैं उसको, जितना भी अपॉर्चुनिटीज आएगा मैं उसको ग्रैब करती रहूंगी. और मैं आप लोगों को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, मैं अपना फ्यूचर में आगे बढ़ूंगी. क्योंकि मॉडलिंग में मुझे मेरा करियर दिखाई देता है, तो मैं प्रोबेबली इसको यहाँ खत्म नहीं करूंगी.
मैं और भी आगे जाकर जितना अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलता है वो सब मैं ग्रैब करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच मिस लिली। तो आपका जो अभी ये आप जो परफॉर्म हुआ है उसका बारे में थोड़ा बताइए। ये एक प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म का नाम है टीम मॉर्निंग स्टार। ये एक गुवाहाटी में है, तो दिस इज लाइक दिस प्लेटफॉर्म इज यू नो सो अमेजिंग। लाइक वहाँ के जो स्टाफ है, जो ट्रेनर्स है, वो लोग बहुत ही मतलब कंफर्टेबल है। लाइक दे डोंट जज अस, दे इनकरेज अस, वो लोग बहुत इनकरेज करते हैं। फिर दे आर वेरी फ्रेंडली एंड वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विथ। सो लाइक फॉर द बिगिनर्स, जो जो ये जर्नी बिगिन करना चाहते हैं, मैं उनको ये प्लेटफॉर्म सजेस्ट करूंगी जो है टीम मॉर्निंग स्टार। टीम मॉर्निंग स्टार ये बेसिकली ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो आप इधर पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और ये गुवाहाटी में होगा, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो, ये आ जाएंगे। सो या दैट्स माय नेम, थैंक यू सो मच। अनब हम किम भाई लोकेश फैशन शो में विनर कपला मु इते बकेम फाइव केम न्या किम नाउ लिली कम बंग को हम का को हम खा तो अनब हम मु इते बकेम लोंगफोंग प वुमेन सोसाइटी स्टूडेंट यूनियन पंचायत लीडर्स तो नम बीबी ते चबी ने मुंबई को हवंग पम चबी चबी ले जाओ अनब केम भाई अमर ते केम लिली तो कॉन्ग्रेचुलेशन गफेम न पु न नु पलोंग फोंग होंग न चोंग न खोंग पलोंग फोंग होंग न न्यू न पा न चेन न आको मन त चबी वेलकम कोरी पु चबी मुंबई पु सर टोकन ऑफ लव कोई कौ त चपु सी देखु माउ जाम लोंग है सपाउ यो ऑडिशन अब 180 प्लस कॉन्टेस्टेंट नंबर को
ऑडिशन जब राउंड अनी लापो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड ला गगो क्लियर हो गुम को 70 खनक साले कर गुम फाइनल ला 70 साले खोला गगो को म फाइनल नी चा गगो हवा गा गा पे म को मलाई गगो हवा गा गा गुम को टॉप 20 मा साले गुम टॉप 20 म कोई गा पे ला पे म क्वेश्चन आंसर राउंड क्वेश्चन राउंड म काचे टॉप 10 मा साले खोले ला गगो अछि लई ग म लई क्वेश्चन राउंड का को कोया क्वेश्चन जा को ना अगर मॉडलिंग नंग अगर मॉडलिंग अनंग तेमु हुई क्या ले ले इफा कोई तेम जवाब हो के को कोई मॉडलिंग में तेमा हुई के को कोई नावसा चू खेल कोई मॉडलिंग कोरी सिनापु अगर मॉडलिंग कोरी सिनापु ले तो कोई नावसा चू खेल नप्पा हन पका कोई भी मंचां कोई है कोई कम सोसाइटी में सुकोमा अगर पंचांसेस मंता एको कोई हमार लाइफ हो सिनापु हमार प्रूफ कोरी सिनापु की केमर गगर चांस सते कोई केमर केम नोंगे जताई थे मैं मौका डॉके ले ले कोई गगर जवाब कोला कोई अगर शो जीती पे सापु लाइक वो शो जीती पे गगर इम्पोर्टेंट मन सांग तेम इम्पोर्टेंट है को केमर गगर एक्सपीरियंस सापु गगर मैं तेम दे तोंग गगर लाइन में बैठ को तेम दे तोंग लेकिन मैं एक्सपीरियंस तब पे गगर बाप्पे अलोंग पे गगर का सांपु एको कोई एक्सपीरियंस है तापु ए तो अगर शो जीती पान पका कोई जब भी मम्मी पु एको कोई अच्छे फ्यूचर माय अपने सलों सलों पे शो लांग हुई ना लोग फोन मन प्राउ तो ये लोग फोन मन आगे भरा है लगूई ते लतो ले ये ना अम्मा सही पे कोई न्यू कोई ना अगर सोंपा अचिंग वुमेन सोसाइटी में कैसे पे ना अलग असोंग हम ना पे माचे स्टूडेंट यूनियन में सही पु खन्या कोई ना पे थैंक्स पापु थैंक यू गाइस तो उसके साथ अब इंटरव्यू हो चुके हैं और उसके एक्सपीरियंस अपना एडवाइस देते हुए खत्म हो चुके हैं तो अब ये सिर्फ ये आप सभी को थैंक यू देना चाहती है वो उसके बाद साथ में फिर गुवाहाटी के जितने भी हैं उसके साथ जो साथ दिए है वो लोग को थैंक यू देना चाहते हैं थोड़ा थैंक यू देने में ओके सो मैं बेसिकली मेरे सोसाइटी के लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगी और आप सबको मतलब मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए बट जब से मैंने मेरा सोसाइटी का ग्रुप में जब से पोस्ट आ रहा है कि मुझे वोट करें लाइक उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और आप लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है तो मैं उसके लिए आप सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि आपके पास भी टाइम है आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके आप भी बहुत कुछ कर सकते हो सो थैंक यू सो मच एवरीवन थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट ठीक है थैंक यू सो मच आपको भी मेरी तरफ से और हम सभी की तरफ से अपना एक्सपीरियंस अपना एडवाइस देने के लिए क्योंकि आपके बातों से सभी को अभी इंकरेजमेंट मिल चुके हैं मैं विश्वास करता हूँ आप सभी से रहे हमें फोटो सेशन।